देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के सटे हुए इलाकों को एनसीआर के रूप में एक अलग तरीका विकास देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास के सटे हुए जितने भी इलाके हैं उसके औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र का विकास भी एक नए तरीके से किया जाए, इसलिए एससीआर मॉडल तैयार किया जा रहा है। एससीआर बनने से जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं मास्टर प्लान के आधार पर क्षेत्र में एक नया डेवलपमेंट मैप भी तैयार होगा। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बात करने के लिए हमसे तैयार है। सर, एससीआर बनाने की बात हो रही है, अब क्या है पूरा कंसेप्ट और क्या विकास होगा? ऐसा है कि अभी तक मास्टर प्लान शहर के हिसाब से बनता है, हम जोनल प्लान बना रहे हैं। जोनल प्लान जितने बना रहे थे इंदौर के आसपास उज्जैन देवास धार महू पीतमपुर इन सबको मिलाकर एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि भविष्य में ये शहर का विकास कैसे हो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अभी पूरे इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर इन सब में हम लोग जोनल प्लान बना रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र आसपास के राजधानी के उसके अलावा कितना एरिया आप उसमें एससीआर में इंक्लूड करेंगे, अन्य जिले अगर मालवा भी शामिल? टीम बना दी है, वो टीम उसके ऊपर अध्ययन करके फिर बनाएगी। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश के विकास को एक नया आयाम मिलने जा रहा है? निश्चित रूप से मिलेगा।